नमस्कार दोस्तों, आपको अपना YouTube चैनल में स्वागत है। आरके महे मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10 लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सारे वीडियो देखने के लिए क्षेत्रमिति को आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, और प्लेलिस्ट में क्षेत्रमिति का सारे वीडियो आपको उपस्थित है, वहां से सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, ठीक ना? कितना दिया हुआ है? 173.205 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस त्रिभुज की प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर एक त्रिभुज की भुजा को आधा बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, ठीक है ना? तो ये त्रिभुज के तीनों कोण है, तीनों कोण का केंद्र मानकर हम लोग क्या कर दिए? एक वृत्त बनाए, ठीक ना? और उस वृत्त का जो है यहाँ पर जो छायांकित भाग जो बन रहा है, उस छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ छायांकित भाग है जिसमें पाई का मान हमको रखना है 3.14, और रूट थ्री का मान रखना 1.73205 रखना है, ठीक है ना? तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज में से तीन त्रिज्या खंड घटा लेंगे तो मेरा यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसकी त्रिज्या हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो त्रिज्या हमको ज्ञात कहां से होगा? इस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? भुजा ज्ञात करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का जब भुजा निकल जाएगा तो उस भुजा को हम लोग क्या करेंगे? जितना भी समबाहु त्रिभुज का भुजा का, उस भुजा को हम लोग क्या करेंगे? आधा कर देंगे। तो आधा करने के बाद मेरा त्रिज्या हमको ज्ञात हो जाएगा। जब त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटा लेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखा जाए, समबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या होता है? रूट थ्री बट्टा फोर गुने हो जाता है आपका भुजा स्क्वायर। क्या हो जाता है? रूट थ्री बट्टा फोर गुने भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर दिया हुआ है 17 बत्तीस, उसके बाद में है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना? तो आपको प्रश्न में दिया हुआ है रूट थ्री का मान, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? भुजा स्क्वायर को भुजा स्क्वायर कर देंगे, ठीक है? और यहाँ पर 17 बत्तीस 0.5, और ये जो गुना में है तो क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा। भाग लग जाएगा तो ये रूट थ्री जो है आपका ऊपर में है तो यहाँ पर नीचे में आ जाएगा, और नीचे में जो चार है जो आपका ऊपर में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट थ्री आगुने हो जाएगा चार हो जाएगा, ठीक ना? अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? 17 बत्तीस 0.5, और यहाँ पर रूट थ्री का मान आपको प्रश्न में दिया हुआ है जो आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है ना? तो रूट थ्री का मान उसमें दिया हुआ 1.73205 दिया हुआ है आपका, मतलब प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ पर गुने हो जाएगा चार। अब हम लोग क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दशमलव के बाद संख्या गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या, और यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या, तो पांच में से एक कट जाएगा तो मेरा कितनी संख्या बच जाएगी? चार संख्या। तो वो चार संख्या हम लोग क्या करेंगे? चार जीरो ऊपर की ओर लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 बत्तीस 0, और यहाँ पर दशमलव हम हटा रहे हैं, यहाँ पर दशमलव उड़ गया, यहाँ का दशमलव भी उड़ गया, और यहाँ पर हम लोग क्या कर दे? एक लिख कर और चार जीरो यहाँ पर दे देंगे, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा तो बचेगा आपका पांच को में से चार को, तो यहाँ पर चार जीरो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक ना? कितना लिख लेंगे? चार जीरो लिख लेंगे, और उसके बाद में गुना कितना हो जाएगा? चार, और यहाँ पर जो है इसका दशमलव खत्म हो गया, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 17.3205, ठीक ना? और यहाँ पर आपका फाइव छूटा हुआ था, अब इससे हम इसको काट देंगे, ठीक है? और यहाँ पर क्या बचा? चार में जब हम गुना करेंगे 10,000 से तो मेरा कितना हो जाएगा? आपका 40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। यहाँ पर आपका भुजा छूटा हुआ है तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर लिखते आ जाना है, ठीक ना? क्या लिखते आना है? भुजा स्क्वायर। जब भी भुजा पर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट चढ़ेगा। तो जब रूट चढ़ेगा तो इसका वर्गमूल जब भी आता है ना रूट का, तो एक प्लस और एक माइनस दोनों में लिखाता है, तो भुजा बराबर यहाँ पर हो जाता है कितना हो जाएगा? 40,000 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। तो ये आपका भुजा आ गया 200। लेकिन इससे भुजा से हमको कोई मतलब नहीं है, हम इसको भुजा ज्ञात किए हैं किस लिए? त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए। अब इसको हम जब हाफ करते हैं तो क्या हो जाता है? मेरा 100 सेंटीमीटर हो जाता है। यहाँ पर भी 100 सेंटीमीटर हो गया।
तो ये जो 100 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं, तो सी केंद्र को जो मानकर जो एक वृत्त बनाया है, उस वृत्त का आपका त्रिज्या हो जाएगा, जो आपको त्रिज्या खंड का आपको त्रिज्या बन जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का भुजा निकल गया, तो वह वृत्त का क्या कहलाएगा? वृत्त का जो उसको आधा करने के बाद उसकी त्रिज्या हो जाएगी, दो से इसमें भाग देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब हमको ज्ञात क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमने बताया है था से क्या बताए थे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और माइनस बताए थे तीन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, तीन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताया था। तो यहाँ पर देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका प्रश्न में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1732.5 दिया हुआ है, और यहाँ पर 3 × θ/360 और पाई आर स्क्वायर त्रिज्या खंड का सूत्र होता है। यहाँ पर देखा जाए से मेरा थीठा जो मतलब थीठा का मान इसमें प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो थीठा का मान हम लोग कैसे जानेंगे, से समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होते हैं 60 डिग्री होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग थीठा का मान क्या दे देते हैं, 60 डिग्री दे देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 1732.5 तीन गुने यहाँ पर हो जाएगा 60 और पाई का मान दिया हुआ है 3.14 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 × 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, 1 0 से 1 0 काट लिए और 3 से हमने काट लिया, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6 12 × 3 = 36 कटा। और देखिए यहाँ पर दोस्तों, अब यहाँ पर 6 × 12 हम कहाँ से काटे, ठीक है, यहाँ पर बचा हुआ है 6 × 12 कट जाएगा, ठीक ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 314 हो जाएगा। तो अब हम इसको हम लोग काट लेते हैं 50 मरतबे, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए 1732.0 और यहाँ पर 100 में जब हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 314 और गुने क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ आता होगा, हमें पूरे उम्मीद है से आप लोगों को निश्चित तौर पर समझ में आता होगा। यहाँ पर अब जब हम 5 से गुना करेंगे तो सबसे पहले हम लोग अंक से गुना करके 10 बैठा लेते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 20 हो जाएगा, 5 × 5 अदु क्या हो जाएगा, 7, 5 × 20 और 5 × 5 = 7 और 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 10 बैठा लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें से घटाएंगे, कितना घटाएंगे, चलिए घटा कर देखते हैं हम लोग, एक मिनट समय दे रहे, आप लोग घटा कर और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है ना, उसके बाद हम लिखते हैं कितना होगा इसका आंसर, कितना होगा घटाने के बाद, आपको घटाने के बाद आएगा 16 × 20.5 cm² आएगा, ठीक ना। तो यही आपका क्या हुआ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो आप देख पा रहे हैं, एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे, तो 3 त्रिज्या का क्षेत्रफल घटाने के लिए हमको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, जो मेरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपको किताब में दिया हुआ है, तो उस क्षेत्रफल से हम लोग क्या करेंगे, भुजा ज्ञात करेंगे, भुजा से मुझे त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा, जब त्रिज्या निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन है जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये आपका वर्गाकार रुमाल है जिसमें जितने भी आपको वृत्त दिखाई दे रहे हैं 9 वृत्त है और 9 वृत्त के त्रिज्या आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। आकृति 12.29 में दिया, रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिएगा शेष भाग कौन सा भाग बच रहा है आपको, ये जो जगह छूटा हुआ है, ये सब जो खाली स्थान जो, यही आपका शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक वर्ग का क्षेत्रफल में से 9 वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग घटा लेंगे तो मेरा शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग की भुजा की जानकारी करना पड़ेगा। तो वर्ग की भुजा देखिए कैसे निकलता है, देखिए एक वृत्त का जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसकी व्यास कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, ठीक ना, इसकी व्यास कितनी होगी, 14 होगी, फिर इसका भी व्यास आपका कितना होगा,
14 सेंटीमीटर होगा, फिर इस वृत्त का भी व्यास कितना होगा 14 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह के 14 सेंटीमीटर इस वृत्त का, 14 सेंटीमीटर इस वृत्त का, 14 सेंटीमीटर इस तीनों वृत्त अगर जोड़ते हैं तो मेरा क्या हो जाता है 14 × 42। तो ये आपका वर्ग की क्या निकल गया, भुजा निकल गया, क्या निकल गया भुजा निकल गया। तो वर्ग की भुजा आपको 42 सेंटीमीटर हो गया और वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आपका पुस्तक में दिया हुआ है प्रश्न में। तो अब क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल में से 9 वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग घटा लेते हैं तो मेरा शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए आर आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आर आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और भुजा जो है 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पर लिख देंगे दिया है, कहाँ दिया हुआ है प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे शेष भाग का, शेष भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा 9 वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 वृत्त का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, भुजा का स्क्वायर जानते हैं, क्या जानते हैं भुजा का स्क्वायर जानते हैं, ये 9 गुने हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखा जाए भुजा कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोग 42 कर देते हैं और यहाँ पर 9 गुने पाई का मान 22/7 हो जाएगा और त्रिज्या इसकी कितनी दी हुई 7, तो 7 × 7 एक 7 से 1/7 खत्म हो गया। अब जो है 42 का स्क्वायर क्या होगा 2×2 = 4 और उसके में 4×2 = 8, 8×2 क्या हो जाएगा 16 × 6 हो जाएगा और 4×16 = 1 = 17 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे 9×18 = 8, 9×18 ये क्या हो जाएगा 19 और गुने क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं 17×64 - अभी 7 में गुना होगा तो 7×8 = 56 हाथ में लागल कितना हो जाएगा 5, 9×7 = 63 और 63×5 कितना हो जाएगा 68 हाथ में 6, 7×7 = 7 और उसके बाद में क्या होगा 6×7 = 6 = 13 हो जाएगा। अब इसको हम लोग घटाते हैं तो कितना आएगा 14 में से 6 गया तो कितना होगा 8 होगा, 14 में से 6 गया कितना हो जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 में से 8 नहीं घटेगा तो एक दाई पहचानेंगे 16 हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8 जाए, यहाँ पर देखिए इसको पहचान दिया तो ये 15 हो गया, 15 में से 8 गया कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ये आपको कितना बचेगा 6, 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर, ठीक ना, यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक हो रहा है ना, यहाँ 6, 6 में से 3 गया 3 ना होगा तो यहाँ पर लिख दिया 3, 378 आया। ये आपका रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल है।